आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। नमस्कार, मैं हूं रूपक शर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल समाचार। मंडी जिले के धर्मपुर में 15 अगस्त को बरपे कहर के बाद मंडी के उपायुक्त ने प्रभावित गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवारों को 25-25 हजार रुपए की फौरी राहत दी। साथ ही उन्होंने 2 महीने का राशन और पहनने के लिए कपड़े भी मुहैया करवाए। मंडी में बादल फटने और भूस्खलन से तबाह हुए गाँव का जायजा लेने मंडी के उपायुक्त संदीप कदम पहुंचे। उन्होंने जिला के धर्मपुर उपमंडल के सकनेरधार, तनहेड़, लूनग्राम, बड़ाना, नारायणगढ़, डबरोट, अरली पलियाल और चूडू का बहल पंचायतों का दौरा किया। उनके साथ अतिरिक्त जिला अधिकारी पंकज राय और उपमंडल अधिकारी रोहित ठाकुर भी थे। उन्होंने इन पंचायतों में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके घरों के मालिकों को प्रशासन की ओर से 25-25 हजार रुपए की फौरी राहत के रूप में वितरित किए। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त प्रत्येक परिवार को गैस का चूल्हा कनेक्शन सहित 2 माह का राशन, बर्तनों की किट उपलब्ध करवाई जाएगी, साथ ही 2 तरपाल भी उपलब्ध करवाए जाएंगे और आवश्यकता पड़ने पर राशन का अतिरिक्त स्टॉक भी मंगवा लिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक परिवार को महिला, पुरुष और बच्चों के पहनने के कपड़े भी प्रशासन की ओर से उपलब्ध करा दिए गए हैं। वहीं गाँव में बीमार और जख्मी हुए व्यक्तियों का चिकित्सकों की टीम की ओर से निरंतर जाँच किया जा रहा है और जख्मी हुए जानवरों के उपचार के लिए उप निदेशक पशु स्वास्थ्य द्वारा चिकित्सकों की टीम नियुक्त की गई है। वहीं मरे हुए मवेशियों के कारण महामारी न फैले, इसके लिए प्रत्येक पंचायत और प्रभावित घरों में मवेशियों को दफनाने के लिए नमक और चूना उपलब्ध करा दिया गया है। उपायुक्त ने बिजली विभाग, सिंचाई और जन स्वास्थ्य विभाग एवं लोक निर्माण विभाग को जल्द से जल्द कार्य करने के निर्देश दिए हैं। बहरहाल अभी ऐसी कई जगह है जहाँ पर राहत का सामान नहीं पहुँच पा रहा है, लेकिन प्रशासन की ओर से जल्द ही ऐसी जगहों पर राहत सामग्री भेजने की बात कही गई है। अब ऐसे में देखना होगा कि बारिश से तबाह हुआ धर्मपुर उपमंडल दोबारा पटरी पर लौट पाता है या फिर नहीं। मंडी से अंकुश सूद के साथ गौरव चक्रवर्ती, डे एंड नाइट न्यूज। शिमला लोकसभा सीट से भाजपा सांसद वीरेंद्र कश्यप ने केंद्र और राज्य सरकार को लेकर बयान दिया है। कश्यप ने कहा कि अगर प्रदेश की कांग्रेस सरकार अगर विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर केंद्र से किसी भी मुद्दे को मिलकर उठाती है तो केंद्र सरकार का उन्हें सहयोग मिल सकता है। वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि हिमाचल सरकार का सहयोग मोदी सरकार को नहीं मिल पा रहा है। वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित कराने को लेकर वो लंबे समय से प्रयासरत है, लेकिन इस मामले में भी वीरभद्र सरकार गंभीर नहीं है। सरकार ने 2 साल से इस मामले से जुड़ी फाइलें लटकाई हुई हैं, ऐसा कहना है वीरेंद्र कश्यप का। विकास के लिए जो है एक रोड मैप तैयार करें ताकि केंद्र में हमारी जो भी यहाँ से प्रपोजल जाए वो सामूहिक तौर से अगर जाएगी तो वो बेनिफिट हिमाचल प्रदेश की आम जनता को मिल सकता है। पर अभी तक मुख्यमंत्री जी का जो है इस प्रकार का रवैया नज़र नहीं आ रहा है और आने वाले दिनों में अगर वो अपने रवैये को बदलते हैं तो अवश्य ही भारतीय जनता पार्टी पूरा सहयोग देने को तैयार है। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अनुराग ठाकुर ने अपना पहला निशाना पाकिस्तान पर साधा है। भारत और पाकिस्तान के बीच रद्द हुई बातचीत को फौरन बाद अनुराग ठाकुर का यह बयान आया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पाक का रवैया भारत के लिए कम से कम सही नहीं है। ऐसे में जब भारत की तरफ से रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, ऐसे वक्त में पाकिस्तानी उच्चायुक्त का तथा कथित कश्मीरी नेताओं को बुलाना दिखाता है कि पाकिस्तान बातचीत को लेकर जरा भी गंभीर नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो परिस्थितियां पैदा हुई वो पाकिस्तान की अपनी नीतियां, सोच और अस्पष्टता के कारण हुई है। अगर इसी विचार को लेकर वो भारत के साथ बातचीत शुरू करते हैं और इस तरह की हरकतों पर उतरते हैं तो मुझे नहीं लगता है किसी तरफ जा पाएगी बातचीत। और पाकिस्तान को समझना चाहिए, अगर पाकिस्तान को भी बचाना है, भारत के साथ मधुर संबंध भी करने हैं तो इस ओछी हरकतों से बाहर निकलकर आना होगा।
तभी विश्वास पैदा हो पाएगा, नहीं तो संबंध मधुर होने की बजाय खट्टे और हो सकते हैं। हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर की तीसरी बार युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। इसी के चलते हमीरपुर मुख्यालय में भाजपा जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सदस्य नरेंद्र अत्री की अगुवाई में मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया गया। अत्री ने कहा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा में अनुराग ठाकुर को पार्टी का नेतृत्व द्वारा तीसरी बार भाजयुमा की कमान सौंपी गई है, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। ना केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश के नौजवानों में इस बात को लेकर खासा उत्साह है कि उनके प्रिय नेता श्री अनुराग ठाकुर, जो पिछले दो कार्यकालों से सफलतापूर्वक इस देश के युवाओं का नेतृत्व कर रहे थे, इस देश की सबसे बड़ी सबसे विश्वसनीय पार्टी ने अपने सबसे जिम्मेवार मोर्चे का लगातार उनको तीसरी बार अध्यक्ष बनाया है। निश्चित तौर पर पिछले दो कार्यकालों के दौरान जिस दक्षता के साथ और जिस जिम्मेवारी के साथ इस देश के युवाओं को उन्होंने संगठित किया, राष्ट्र हित में काम करने के लिए प्रेरित किया, देश की ज्वलंत समस्याओं के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट करके आंदोलन किए, चाहे वो राष्ट्रीय एकता यात्रा की बात हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम की बात हो, या फिर इस देश के दुश्मन जो देश की सीमाओं पर हमेशा भारत को बुरी नज़र से देखता है, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात हो, अनुराग ठाकुर ने सफलतापूर्वक पूरे देश के नौजवानों को संगठित किया है। सोलन जिले के कंडागाट तहसील में एक नाबालिग लड़के ने 8 साल की मासूम बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी। आरोप है कि वह शनिवार शाम को स्कूल से घर आ रही थी, तभी उस लड़के ने उसे बलपूर्वक रास्ते से एक नाले में ले गया और घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। सोलन में अपराधों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। हत्या और दुराचार के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते 10 दिनों के भीतर दुराचार के 3 मामले दर्ज हो चुके हैं, उसके बाद भी अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इस बार दिल दहला देने वाली घटना सोलन जिला के कांगड़ा क्षेत्र के तहत पड़ने वाली ग्राम पंचायत सायरी के छाइछी गांव से हुई है। नाले में 8 साल की मासूम का शव नग्न अवस्था में मिट्टी और पत्तों से ढका हुआ बरामद किया गया है। पुलिस को शक है कि दुराचार के बाद बच्ची की निर्मम हत्या की गई। पुलिस ने अपनी जांच में हत्या और दुराचार का मामला दर्ज किया है। शक के आधार पर पुलिस ने 16 साल के नाबालिग को भी गिरफ्तार किया है। जो लड़की है बहुत ही छोटी थी, 8 वर्ष की बालिका है, और जिसमें अपराधी है वो भी जुवेनाइल है, जिसकी सितंबर में 14 वर्ष की आयु पूरी होनी है। प्रथम दृष्टया लगता है कि उसकी जो है थ्रॉटलिंग से मौत हुई है। हर रोज की तरह मासूम बच्ची शनिवार को हरिपुर स्कूल गई थी, जहां से छुट्टी होने के बाद वो करीब 3:30 बजे अपने घर के लिए चली, लेकिन समय पर घर नहीं पहुंची। इसके बाद परिवार के सदस्यों ने गांव के अन्य लोगों के साथ उसे अपने स्तर पर ढूंढा। इसके साथ ही सायरी पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। रविवार सुबह गांव की एक महिला घास काटने के लिए नाले के पास जा रही थी, तो इसी दौरान उसे घास के पास बच्ची का स्कूल बैग गिरा मिला। इस पर महिला ने घटना की सूचना गांव वालों को दी, जिसके बाद गांव के लोग और पुलिस बच्ची की तलाश में मौके पर पहुंचे और पाया कि नाले में बच्ची का शव दबा हुआ था। बच्ची के पिता ने पुलिस से मांग की है कि इस तरह की वारदातों को अंजाम देने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आगे से कोई इस तरह की दरिंदगी का शिकार ना हो सके। और फिर हम ढूंढते रहे, सारी रात हो गई, सारी सब कुछ किया, सारे बंधनों काफ़ी बंधु थे। जब दूसरे दिन हम फिर गए सुबह से ही, तो दिन मान लो 10 या 11 के करीब हमारे लड़की मिली। आरोपी पकड़ गया, वो भी घर में नहीं आया। सख्त से सख्त सजा हो जाए उसको, और ताकि वो ऐसा हो जाए भी चलो लड़की तो डेथ हो गई, आगे ऐसी काम ना करे वो। पुलिस ने फोरेंसिक एक्सपर्ट की निगरानी में शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फोरेंसिक टीम ने मौके से कुछ सुराग भी जुटाए हैं। पुलिस के मुताबिक स्कूल से छुट्टी के बाद बच्ची को गांव के ही एक 16 साल के नाबालिग लड़के के साथ शनिवार को शाम 4:30 बजे जंगल की ओर जाते देखा गया था। ऐसा लगता है कि इसने बच्ची को जो है धक्का दिया है, जहां पे उसका स्कूल बैग और उससे कुछ सामान गिरा है, और वहां पे उसने उसके जो है लज्जा भंग करने का प्रयास किया है, और उस प्रोसेस में जब वो चिल्लाई है या उसने डिफेंड करने की कोशिश की होगी, तो
उस सूरत में जो है इसने उसका मुंह दबाया और अंततः जो है उसका गला दबा के प्रथम दृष्टया लगता है कि उसकी जो है थ्रॉटलिंग से मौत हुई है। 376, 511 और 4 पॉक्सो एक्ट के तहत जो है इसमें अन्वेषण आरंभ कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने हत्या और दुराचार का मामला दर्ज किया हुआ है और आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है। सोलन से मनुष्य शर्मा के साथ सुभाष चंद्र, डे नाइट न्यूज। नालागढ़ के गांव टालीवाल में केमिकल फैक्ट्री से हुए जहरीली गैस के रिसाव से सैकड़ों बीघे में फैली फसल नष्ट हो गई है। किसानों ने इसकी शिकायत नालागढ़ के एसडीएम से की है। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए तुरंत फैक्ट्री को बंद करवा दिया है। नालागढ़ के टालीवाल में ये वही फैक्ट्री है जिसकी जहरीली गैस से आधा दर्जन से ज्यादा किसानों की फसल तबाह हो चुकी है। खुराना केमिकल्स की जहरीली गैस से किसानों की सैकड़ों बीघा जमीन पर लहराती हुई धान और मक्की की फसल सूख चुकी है। केमिकल बनाने वाली इस फैक्ट्री से जहरीली गैस नमी होने से हवा के साथ फैक्ट्री के साथ लगते खेतों में गिर रही है, जिससे धान का रंग सफेद हो गया है और पूरी फसल जलकर तबाह हो चुकी है। किसानों ने इसकी शिकायत नालागढ़ के एसडीएम से की है और फैक्ट्री को बंद करने के साथ नष्ट हुई फसल पर मुआवजे की मांग भी की है। एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर तुरंत कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री को बंद कर दिया है और फैक्ट्री प्रबंधन को सख्त निर्देश दिए हैं कि जब तक मामले की पूरी जांच नहीं होती तब तक फैक्ट्री को बंद ही रखा जाए। लोग इस मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन यह पहली बार हुआ है जब किसी फैक्ट्री पर कार्रवाई करते हुए उसे बंद कर दिया गया हो। नालागढ़ से जगत सिंह के साथ सुभाष चंद्र, डे नाइट न्यूज। वहीं बिलासपुर के कंद्रा और हरलोक मार्ग पर दो निजी बसों में भिड़ंत हो गई। हादसे में 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायलों को क्षेत्रीय अस्पताल में पहुंचाया गया जहां उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। दोनों निजी बसों में लगभग 50 यात्री सवार थे। हादसे का शिकार एक निजी बस समेला से बिलासपुर और दूसरी बस बिलासपुर से जाहू जा रही थी और नाई लटी मोड़ पर दोनों बसों में टक्कर हो गई। हमारे पास 9 लोग जो थे वो एक्सीडेंट वाले आए थे। उनके कुछ एक तो नॉर्मल इंजरी थी, उनको हमने फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देकर के भेज दिया। दो जो थे उनको हमने बिलासपुर रेफर किया हुआ है। एक जयदेवी है 70 साल और एक लड़का था असलम, उसके थोड़ी हेड इंजरी थी तो उसको भी हमने बिलासपुर रेफर किया था। वहीं अपनी मांगों को लेकर अध्यापक संघ का विरोध बढ़ता जा रहा है और इसके चलते हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ द्वारा शिमला में 20 अगस्त को शिक्षा निदेशालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा, ऐसा ऐलान किया गया है। हमीरपुर में हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के 2.5 लाख अध्यापकों के साथ प्रदेश सरकार लगातार अन्याय कर रही है। बैठक में 8 सूत्रीय मांग पत्र के माध्यम से सरकार के समक्ष रखा गया, लेकिन कोई हल नहीं निकलने पर अध्यापकों के सब्र का बांध टूट रहा है। अध्यापक संघ ने निर्णय लिया है कि 20 अगस्त को शिमला में निदेशालय के बाहर धरना दिया जाएगा। मैं लाना चाहता हूं उसमें डीपीएस के ग्रेड पे का है। पीटीआई जो उनका फीडिंग कैडर उनको 4400 ग्रेड पे मिलता है और डीपीएस को 3600 ग्रेड पे मिलता है। मैं जानना चाहता हूं कितना एक तर्कसंगत और न्याय हमारे लोगों के साथ हो रहा है। हम चाहते हैं कि जो ग्रेड पे है रिवाइज ग्रेड पे वो 1-1-2006 से ड्यू था वहीं से देना पड़ेगा। इसको फाइनेंशियल एनहांसमेंट ना मानकर पार्ट ऑफ पे माना जाए तब यह एनोमली दूर हो सकती है। हिमाचल प्रदेश राजस्व अधिकारियों की ओर से पूरे प्रदेश में मंगलवार को यानी 19 अगस्त को एक बार फिर से पेन डाउन हड़ताल की जाएगी। इससे पहले 11 अगस्त को भी राजस्व अधिकारियों की ओर से अपनी मांगों को लेकर एक दिन की पेन डाउन हड़ताल की गई थी। वहीं हड़ताल की वजह से आम जनताओं को मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि हड़ताल के दौरान अधिकारी कार्यालय में मौजूद होने के बाद भी कोई काम नहीं करेंगे। अधिकारियों की प्रदेश सरकार से मांग है कि HAS कोटों में की गई कटौती को वापस लिया जाए। अगर सरकार की ओर से अधिकारियों की मांगें नहीं मानी जाती तो अधिकारियों की ओर से सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी गई है।
भले ही छात्र संघ चुनाव को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभी तक अपनी स्थिति स्पष्ट ना करी हो, मगर छात्र संगठन अभी से चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। इसी कड़ी में एनएसयूआई की एक अहम बैठक नाहन में संपन्न हुई। बैठक में एनएसयूआई के करीब एक दर्जन पदाधिकारियों ने छात्र संघ चुनाव को लेकर चर्चा की। नाहन के कांग्रेस भवन में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता जिले के अध्यक्ष ओपी ठाकुर ने की। एनएसयूआई का कहना है कि संगठन में जिले के सभी कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं ताकि एनएसयूआई को चुनाव में बढ़त मिल सके। वहीं एनएसयूआई ने सिरमौर के धौलाकुआ में आईआईएम खोलने के लिए सरकार का आभार जताया। शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर में 8वीं जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता संपन्न हो गई है। इस प्रतियोगिता में 6 साल से लेकर 30 साल तक के प्रतियोगियों ने कराटे के जौहर दिखाए। प्रतियोगिता में शिमला जिले से कुल 350 प्रतिभागियों ने जूनियर और सीनियर श्रेणी में हिस्सा लिया था। इन प्रतिभागियों में 120 लड़कियां भी शामिल थी। इस जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में सभी विजेताओं को अब राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। जन्माष्टमी का त्यौहार जहां देश भर में बड़े ही श्रद्धा के साथ मनाया गया, वहीं देवभूमि हिमाचल में भी जन्माष्टमी की खासी धूम रही। प्रदेश भर के मंदिरों में जन्माष्टमी के मौके पर श्रद्धालुओं ने माहौल भक्तिमय बना दिया। मंदिरों में दिन भर लोगों का जमावड़ा लगा रहा और लोगों ने अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने की कोशिश कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास किया। हिमाचल में हर साल की तरह इस साल भी जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर शिमला भर में झांकियां निकाली गईं, तो वहीं सनातन मंदिर में भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। किसी ने कृष्ण भजन गाकर तो किसी ने मोर पंख का मुकुट बनाकर और किसी ने कन्हैया की प्रतिमा पर पीले वस्त्र चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। ये जो जन्माष्टमी थी, इस रात को जो है भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, जो कि दुष्टों का नाश करने के लिए हुआ था। जो भी पाप बढ़ गया था उस पाप को विनाश करने के लिए भगवान ने स्वयं जो है इस पृथ्वी पर अवतार लिया। इसका मतलब है जब द्वापर युग में बहुत पाप बढ़ गया था तो भगवान गौ माता भगवान जी के पास गई थी कि भूमि का भार उतारने के लिए आप धरातल पर आओ, तो भगवान खुद स्वयं देवकी के गर्भ में आकर के उत्पन्न हुए और भगवान ने सब साधु महात संत जनों का भला करने के लिए और इसीलिए ये जन्माष्टमी मनाई जाती है, जहां सनातन धर्म मंदिर में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। वहीं कुल्लू के सुल्तानपुर के श्री सत्यनारायण मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। सभी श्रद्धालुओं ने मंदिर में खूब भजन और कीर्तन किया। इस दौरान रात को 12 बजे कृष्ण भगवान को दूध से नहलाकर झूले में बिठाकर सभी लोगों द्वारा झूला झुलाया गया। हर वर्ष ये जन्माष्टमी का उत्सव जो है बड़े धूमधाम से यहाँ मनाया करते हैं और आज भी हम इस पर्व को जो है बड़ी अच्छी धूमधाम से मना रहे हैं और आशा करते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस उत्सव में आए और इसकी शोभा बढ़ाएं। मान्यता है कि जन्माष्टमी का पर्व वैष्णव और गृहस्थ श्रद्धालु अलग अलग दिन मनाते हैं, लेकिन सभी का जन्माष्टमी का मनाने का तरीका एक ही है। कोई व्रत रखकर तो कोई कृष्ण मंदिर में रात भर कृष्ण भजन गाकर भगवान कृष्ण की लीला का गुणगान करता है। शिमला से मोहित प्रेम शर्मा और कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा के साथ सुभाष चंद्र, डे नाइट न्यूज। तो हिमाचल बुलेटिन में आज बस इतना ही, लेकिन आपसे कल फिर होगी मुलाकात हिमाचल की अहम खबरों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।